हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3DS में। और आज हम सीखेंगे वाटरफॉल एनिमेशन इन फोटोशॉप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फोटोशॉप हमने ओपन कर लिया है और हमने एक इमेज ले ली है वाटरफॉल की, और इस पे अब हम एनिमेशन करेंगे। सबसे पहले हम मास्किंग कर लेते हैं, हमें जो लेयर चाहिए इसमें। तो हमें वाटरफॉल का एक कॉपी चाहिए। आप चाहे तो लेसो टूल लेके भी इसको कॉपी कर सकते हैं, और चाहे तो मैं लेयर मास्क करके मैं लेता हूँ यूजुअली। तो लेयर मास्क मैं क्विकली इसको एडिट कर लेता हूँ। बी ब्रश टूल मैंने ले लिया यहाँ से, एंड इसकी मैं मास्किंग कर लेता हूँ फटा से फटक। अभी इसका हम सिलेक्शन ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी इसकी कॉपी के लिए। तो ये इसकी कॉपी हो गई है। अभी हम इसका एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन करने से पहले हम विंडो में जाएंगे और इसका टाइमलाइन जो है वो ऑन कर लेंगे। ये हमारी लेयर है, इसको हम इसके इक्वली रख देंगे। अभी हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे, पोजिशन जो है इसकी सेट कर लेंगे हम। और अभी यहाँ से हमने की इसका कर दिया है सेट, और अभी हमें एनिमेशन करना है ये। तो यहाँ पे जाके हम एक और की इसका सेट कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं एनिमेशन में। अभी हम एक बेसिकली देखते हैं किस तरीके से ये गिरेगा। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो। तो आई थिंक ये थोड़ा ठीक लग रहा है, और इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं नीचे की तरफ। ये इस तरीके से हमने स्ट्रेच कर लिया है, और इसको अभी हम देखते हैं कैसा लगता है ये। तो ये आई थिंक परफेक्ट आ रहा है। अब बस हमें इसको इरेज करना पड़ेगा ऊपर और नीचे से। तो इरेज के लिए हम इरेज कमांड ई यूज़ करेंगे। आप यहाँ से इरेज भी इरेजर ले सकते हैं, शॉर्टकट ई है इसका। और ऊपर से हम इरेज कर लेंगे इसको। और नीचे से भी हम इरेज कर लेंगे। और अगर अभी हम देखते हैं प्ले करके, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम फोटोशॉप में एक वाटरफॉल का एनिमेशन बड़े क्विकली हम बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। इस तरीके की और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। फ़ोटोशॉप के जो सीरीज़ है वो हमारी स्टार्ट हो गई है, तो इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।